सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई वाईफाई कैमरा सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वो कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई वाईफाई सर्च कर रहे हैं तो आपको अगर अभी एक कैमरे की ज़रूरत है और आपको आगे इन फ्यूचर एक से ज़्यादा कैमरे लगाने की ज़रूरत है, दो या तीन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आप अभी के टाइम में एक ही कैमरा देख रहे हो, तब आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो ये कि आप जो भी कैमरा लगाने वाले हो, आप ये मत समझ के चलो कि अभी तो एक ही लगाना है, कोई सा भी लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर भी आपको दो कैमरे या एक कैमरा एक्सटेंड करना है तो वो भी आपको सेम ब्रांड का, सेम एप्लीकेशन वाला मिले। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो ये पकड़ने वाला है कि ना, अगर सपोज़ आपने कोई CP+ का कैमरा अभी के लिए परचेज कर लिया, सिंगल पीस कोई एक पीस, और आपको उस कैमरे की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है। सपोज़ आपने इंडोर का कैमरा पसंद किया और आपको बाद में आउटडोर के भी कैमरे लगाने, लेकिन आपको आउटडोर का जो कैमरा है वो CP+ में कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि ये चलो कोई बात नहीं, इंडोर वाला अभी लगा लेते हैं, आउटडोर वाला जब लगाएंगे जब देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी एक गलती हो जाएगी आपसे, वो ये कि आप अभी से प्लान करके चलो कि आपको दो या तीन कैमरे भी लगाने हैं, एक्सटेंड करने हैं कैमरे इन फ्यूचर आगे लगाने, तो आप अभी से माइंड सेट करके ये चलो कि आपके पास जो इंडोर कैमरा आप परचेज कर रहे हो उसके आउटडोर में कौन कौन से कैमरे अवेलेबल हैं, उस ब्रांड के, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के कौन कौन से कैमरे अवेलेबल हैं। उससे ये होगा कि आपको आपकी जो चॉइस है अभी वाईफाई कैमरे आउटडोर वाली, वो अभी से सेट हो जाएगी। अगर आपको कोई कैमरा उस एप्लीकेशन का नहीं मिलता आउटडोर के पर्पज़ से, तो आप इनडोर का भी कैमरा वो ना लें, आप वही लें कि अगर आपको आउटडोर में लगाना है तो आउटडोर का कैमरा आप अभी से पसंद कर लें, ताकि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अगर कैमरा वो लगाने वाले हैं तो आपको पता रहे कि आपको कौन सा कैमरा शूट करेगा और वो आप लगा पाओगे। देखो, अभी आपने सपोज़ यही किया कि आपने कुछ भी ना सोच के वो इंडोर वाला कैमरा लगा लिया, और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा होता है कि आपको नीड पड़ती है आउटडोर कैमरे की, तब आप क्या करोगे? लेकिन आपने तो कोई कैमरा पसंद ही नहीं किया था, आपको कोई समझ ही नहीं आया था आउटडोर के लिए, और हो सकता है उस टाइम पे भी कंपनी का या उस एप्लीकेशन का कोई कैमरा अवेलेबल ना हो। उस केस में क्या करना पड़ेगा ना, आपको दो एप्लीकेशन या तीन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में बड़ा ही दिक्कत वाली बात ही होती है कि आपको ना हर कैमरे के लिए अलग एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, हर कैमरे को अलग अलग एप्लीकेशन पर देखना पड़ेगा, तो उससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ना एक ही स्क्रीन पर सारे कैमरे नहीं देख पाओगे, आपको अलग अलग एप्लीकेशन को स्विच करके ही देखना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से अगर बताऊँ तो वहाँ पे देखिए इजी लिप, जो कि CP+ ब्रांड की एक एप्लीकेशन है, इजी कैम प्लस भी है लेकिन इजी लिप भी है, उसके कैमरे ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो कुछ कैमरे हैं, जैसे 2MP का जो कैमरा EZP-21 कैमरा, यार वो ना कैमरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, सस्ता है लेकिन पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी ना पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, या वाइड एंगल भी वो नहीं है, ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है उसकी। तो वो चीज़ है, लेकिन उसमें अभी आउटडोर कैमरे भी आ गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री में भी आउटडोर कैमरा आ गया है, उसका मॉडल नंबर मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, या फिर फिक्स फोकस वाला भी आउटडोर कैमरा आ गया, जो कि 4G और वाईफाई, वायर्ड, लैन सभी में काम करता है। मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई है जो कि उस कैमरे का रिव्यू है, और चाहे तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर ना इनडोर आउटडोर दोनों तरीके के जो कैमरे हैं वो मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आपको ना एक ही एप्लीकेशन पे काम चल जाएगा। और जैसे कि अगर इजी कैम प्लस की बात करें, जो कि CP+ की ही है, CP+ ने इजी कैम प्लस और इजी लिफ्ट दो अलग अलग निकाली, ये बात आपको पता होगा, तो उसमें भी आपको इंडोर आउटडोर वाईफाई कैमरे मिल रहे हैं, काफ़ी ठीक मिल रहे हैं। और अभी बात करते हैं अगर इस बीच की, तो वहाँ पर भी आपको इनडोर और आउटडोर के कैमरे मिल जाते हैं, जैसे कि आउटडोर में आपको C8C मिल रहा है, H6C मिल रहा है,
या और भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल आ गए हैं, अभी नए मॉडल भी आ गए, H9C भी आ गया जो डुअल लेंस वाला है वो आ गया है, और इंडोर के तो कैमरे आते ही हैं TY1 C6N H6C H6C Pro, ये सभी कैमरे वहाँ पे मिल रहे। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि ना इंडोर आउटडोर में काफ़ी बेहतरीन कैमरे हैं, इनके दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से किसी पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो अदर ब्रांड हैं, जैसे कि कोई भी आप ले लो, कोई चाइनीज़ ब्रांड ले लो या फिर कोई अदर कोई ब्रांड ले लो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं यहाँ पे मेंशन कर सकता। तो कुल मिला के बात यह है कि उनमें ना आपको इंडोर कैमरे पसंद आएंगे, लेकिन आउटडोर के कैमरे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा भाई कौन सा लें, सही सा है भी या नहीं, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप अगर कैमरा लेना चाहते हैं, सिंगल भी एक कैमरा भी लेना चाहते हैं, तो आप आगे जो और कैमरे लगाने वाले उनका भी ध्यान रखें, अपनी परचेजिंग को करें। यही था इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आप जो है अपनी वाईफाई कैमरे की चॉइस को रख सकते हैं। अब गाइस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस मेरी जो वीडियो है उसके अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं ना वो आप लोग परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ और उसका रिव्यू करके वो एज इट इज़ मैं रख देता हूँ। तो अगर आपको चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप मुझे मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोडक्ट जो रिव्यू वाला प्रोडक्ट है वो भी अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आप ऑर्डर और करेंगे तो थोड़ा सा रेट में डिफरेंस आएगा, तो वो भी मैं आपको तो आगे से ऑर्डर पे अवेलेबल करा दूंगा। सो गाइस यही था वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।